अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर से। बता दें, समय मौजूद है हम लोग ससोली रोड पर, जहां पर इस समाज में हम लोग रह रहे हैं, जहां पर एक समाज का तबका जिसको कि जाति सूचक शब्द कहे जाते हैं, जिस तरीके से हम उस समाज में रहते हैं जिसमें भाई भाई का नारा दिया जाता है, और समाज में कई लोगों के द्वारा जाति के नाम पर जो है रणनीतियां खेली जाती हैं और कहीं ना कहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कि SC/ST एक्ट में कहीं ना कहीं उल्लंघित शब्द होते हैं, जिसका प्रयोग सरकार के द्वारा मना किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। आइए इनसे जानते हैं क्या पूरा मामला है, किस तरीके से ये अपने पैसे मांगने उस व्यक्ति के पास जाते हैं सामान के, क्योंकि इन्होंने सामान खरीदा होता है, उनकी जुबानी सुनते हैं कि पूरा मामला क्या है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? नमस्कार जी, आपका नाम क्या है सर? सुखदेव सिंह। सुखदेव जी, क्या वाक्य हुआ था, किस प्रकार, क्या कहना चाहेंगे? मैं जी ईंट के पैसे लेने वापस गया था जी। तो उन्होंने मेरे को गाड़ी दी जी। और वो शब्द उल्टे पुल्टे करने लगे, चूड़ा चमार करने लगे, मजबूत मार पिटाई भी की गई। हाँ जी, मारी पिटाई की गई जी। क्या कहना चाहेंगे, कितने रुपए आप उनसे लेने गए थे? मैंने 2600 रुपए दिए थे, 2600 रुपए ही लेने गया था जी। तो जिस तरह से आपने कोई सामान उनसे खरीदा था? हाँ जी, मैंने ईंटें खरीदी थी। तो ईंटें खराब थी, किस तरीके से जो आसान? हाँ जी, मैंने अब्बल ईंट के पैसे दिए थे, उन्होंने लाल पेटी के पैसे लगा भेज दी। मैंने कहा ये हल्की ईंट है, मैं नहीं लूंगा, इसको वापस देता हूँ। कौन कौन लोग इसमें शामिल था सर? वो तीनों भाई थे, अश्विनी था और संजीव था जी। एक का नाम मेरे पता नहीं। तीनों की दुकान आसपास ही पड़ती हैं, इकट्ठे रहते हैं, एक ही दुकान में रहते हैं। तो क्या मारा, कैसे मार पिटाई की, किस बारे में आप बताना चाहेंगे कुछ? घुसून मारे जी, मेरे मुक्के मारे जी। आपकी कितनी उम्र है? 58 साल की। 58 साल। तो मामला दर्ज हो चुका है आपका? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आपको जाति सूचक शब्द कहे गए, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? मारा भी चूड़ा चमार का, मजबी सिख का, क्या बाल कटा, जो उन्होंने मैंने गाड़ी दी, मेरे माँ बाप को भी गाड़ी दी जी, जो है नहीं इसमें। क्या लगता है, हम उस समाज में रहने, जिस समाज में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं लगता है कि हम उस समाज में रहते हैं जहाँ पर हमें कहीं ना कहीं अलग समझा जाता है, क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? और क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या आपको कहा गया है सर? इन्होंने नीच कमीना जी, बारसी का किट सिख का जी, और बुरी तरह से। क्या कहना चाहेंगे लोगों से कि जिस तरह से समाज में आपको प्रताड़ित किया गया और जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया? हम भाई भाई हैं, ऐसे शब्द नहीं करने चाहिए उन्हें जी, हमें बहुत दुख होता है। क्या काम करते हैं आप सर? मैं जी ग्लोब पैनल में काम करता हूँ। ग्लोब पैनल में काम करते हैं। तो सर, सुनने में आया था कि आपको रस्ते में अज्ञात लोगों के द्वारा रोका भी जाता है कहीं ना कहीं जी, कहते हैं जी फैसला कर ले अपने आप, जो कोई बंद करे। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से, IMN24 के माध्यम से? मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे पास कोई ना आए और मुझे नौकरी कर आराम से करने दे, मेरी दिन रात की ड्यूटी है, मेरे खतरा ना आए जी। कहीं ना कहीं आपको रोक कर है, उनके द्वारा धमकियां भी दी जाती हैं सर? हाँ जी, हाँ जी, कि आप फैसला कर लीजिए इस प्रकार का। हाँ जी, हाँ जी, कहीं ना कहीं आपको अपनी जान का भी डर है, क्या कहना चाहेंगे उसके विषय? हाँ जी, मुझे खतरा है, ये मुझे, क्योंकि मैं रात दिन को ड्यूटी जाता हूँ, मेरे को क्या पता कौन सा मेरा बंदे है, मेरा दुश्मन है, कौन सा सज्जन है जी। कहीं ना कहीं क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से हम समाज में रह रहे हैं और आपको इस तरीके की गालियां दी जा रही हैं, नीच शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि संविधान में कहीं ना कहीं ST/ST एक्ट में जो है ये बाध्य शब्द है, क्या कहना चाहेंगे? इस बात का भाई बहुत दुख है जी जी। और मैं मोहल्ले में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा जी, और मोहल्ले वाले मेरे सामने ही मेरे ईंटे उठा के ले गए जी, और मोहल्ले वाले ने खुद देखा उनको जी, वो मेरे से पूछ रहे हैं ईंटे क्यों उठा के ले जाए जी। तो कहीं ना कहीं समाज में भी आपको प्रताड़ित किया गया, आपकी छवि को खराब कर। हाँ जी, क्या चाहते हैं आपकी सरकार, किस तरह से आपकी जो है प्रशासन, किस तरह से आपका साथ दे? आपको पता ही है जी, ऐसे दुख भरे शब्द नहीं करने चाहिए, मेरे बहुत दुख होता है जी। मेरे भाई ने मेरे कॉल कर रहते हैं, उन्होंने फोन कर कहता है ऐसे कैसा कह दिया उन्होंने, किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी का भी हाथ इसमें बताया जा हो सकता है जी, मैं देखो जी वो किसी पार्टी से भी है सर। हाँ जी, हाँ बीजेपी के है जी, बीजेपी की है सर। क्या कहना चाहेंगे, आज इस समाज में इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है, आपको पूरा अधिकार है, कहीं ना कहीं आपके साथ जो है इस तरह के अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है?
हाँ बताओ जी, मैं क्या करता था, मैं घूम तो देख सकते हैं आप इस व्यक्ति की आंखों में आंसू हैं, जिस तरीके से 56 वर्षीय व्यक्ति के साथ जाति सूचक शब्द कहे गए हैं और इनकी FIR दर्ज कर ली गई है। देखना लाजमी होगा कि इनका कहना है कि अगर इन्हें भी किसी तरह से किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इनकी जान को भी खतरा है, क्योंकि वो लोग नए नए लोगों को भेजते हैं इनके पास, डराया भी जाता है, धमकाया भी जाता है और कहीं ना कहीं इन पर दबाव भी बनाया जाता है। इस तरह से बड़ा दुख आता है जब समाज में इस तरह के कार्य होते हैं, जब एक व्यक्ति को जाति सूचक शब्द भी कहे जाते हैं कहीं ना कहीं ST SC नियम के तहत, और कहीं ना कहीं छोटी सी बात पर ये लड़ाई शुरू होती है और कहीं ना कहीं घास लाते हैं मुक्के तक। तो आपने मेडिकल रिपोर्ट करा ली थी? हाँ जी करवा ली थी। तो मेडिकल रिपोर्ट में मारा पीटा काफी मारा पीटा? हाँ जी, मेरे कान पे अभी तक कान पड़ता पड़ता है, दर्द हो रही है जी, मैं अभी छाती पे भी मारा, छाती पे भी, जबड़ा भी तोड़ दिया गया। हाँ जी, जबड़े पे भी मारा। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं आप किस व्यक्ति को बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, जिस तरह से इसके जबड़े पर भी वार किया गया है। तो मेडिकल रिपोर्ट भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, जिस तरीके से ये FIR दर्ज हो चुकी है उसके बाद आप सभी को बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से थाना फरकपुर का ये मामला है और मौके पर इसमें ST SC नियमों के तहत जो भी थी वो हो चुकी है कहीं ना कहीं। क्या इंसाफ चाहते हैं आप इस समय, क्या चाहना चाहेंगे चैनल के माध्यम? हाँ, मुझे इंसाफ चाहिए जी, मैं तो ये चाहता हूँ, मैं गरीब बंदा हूँ जी। और मुझे तो कहीं ना कहीं हर गरीब की आवाज़ IBN 24 का परिवार बनता हुआ है। आप सभी से अनुरोध, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस समय मौजूद है हरियाणा के जिले यमुनानगर में, जहाँ पर आप सभी को बता दें कि ये आदमी फरियाद लेकर आया था कि इनको बचाया जाए, इनको जाति सूचक शब्द कहे गए और इनका मामला दर्ज कर लिया गया। अब देखना लाजमी होगा कि इनको क्या न्याय मिलता है और किस तरीके से जो इनके समाज के लिए जो अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिस तरीके से अपनी वाणी को ना नियमित रूप पर रखते हुए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो देखना लाजमी होगा कि पुलिस आने वाले समय में क्या कार्रवाई करते हैं। आप देख रहे हैं IBN 24 और मैं हूं संयम, आप सभी के सामने लाइव। नमस्कार नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर से। बता दें समय मौजूद है हम लोग ससोली रोड पर, जहां पर इस समाज में हम लोग रह रहे हैं, जहां पर एक समाज का तबका जिसको कि जाति सूचक शब्द कहे जाते हैं, जिस तरीके से हम उस समाज में रहते हैं जिसमें भाई भाई का नारा दिया जाता है, और समाज में कई लोगों के द्वारा जाति के नाम पर जो है रणनीतियां खेली जाती हैं और कहीं ना कहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कि ST SC एक्ट में कहीं ना कहीं उल्लंघित शब्द होते हैं, जिसका प्रयोग सरकार के द्वारा मना किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। आइए इनसे जानते हैं क्या पूरा मामला है, किस तरीके से ये अपने पैसे मांगने उस व्यक्ति के पास जाते हैं सामान के, क्योंकि इन्होंने सामान खरीदा होता है, उनकी जुबानी सुनते हैं कि पूरा मामला क्या है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? नमस्कार जी, आपका नाम क्या है सर? सुखदेव सिंह। सुखदेव जी, क्या वाक्य हुआ था, किस प्रकार, क्या कहना चाहेंगे? मैं जी ईंट के पैसे लेने वापस गया था जी। तो उन्होंने मेरे को गाड़ी दी जी। और वो शब्द उल्टे पुल्टे करने लगे, चूड़ा चमार करने लगे, मजबूत मार पिटाई भी की गई है। हाँ जी, मारी पिटाई की गई जी। क्या कहना चाहेंगे, कितने रुपए आप उनसे लेने गए थे? मैंने 2600 रुपए दिए थे, 2600 रुपए ही लेने गया था जी। तो जिस तरह से आपने कोई सामान उनसे खरीदा था? हाँ जी, मैंने ईंटें खरीदी थी, तो ईंटें खराब थी, किस तरीके से जो? हाँ जी, मैंने अब्बल ईंट के पैसे दिए थे, उन्होंने लाल पेटी के पैसे लगा भेज दी, मैंने कहा ये हल्की ईंट है, मैं नहीं लूंगा, इसको वापस देता हूँ। कौन कौन लोग इसमें शामिल था सर? वो तीनों भाई थे, अश्विनी था और संजीव था जी। एक नाम मेरे पता नहीं। तीनों की दुकान आसपास ही पड़ती हैं, इकट्ठे रहते हैं एक ही दुकान में, एक ही दुकान में रहते हैं। तो क्या मारा, कैसे मार पिटाई की, किस बारे में आप बताना चाहेंगे कुछ? घुसून मारे जी, मेरे मुक्के मारे जी। आपकी कितनी उम्र है? 58 साल की। 58 साल। तो मामला दर्ज हो चुका है आपका? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आपको जाति सूचक शब्द कहे गए हैं, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? मारा भी चूड़ा चमार का, मजबी सिख का, क्या बाल कटा, जो उन्होंने मैंने गाली दी, मेरे माँ बाप को भी गाली दी जी, जो है नहीं इसमें। क्या लगता है हम उस समाज में रहने, जिस समाज में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं लगता है कि हम उस समाज में रहते हैं जहाँ पर हमें कहीं ना कहीं अलग समझा जाता है, क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? और क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या आपको कहा गया है सर? इन्होंने नीच कमीना जी, बाल सिखा किट सिख का,
और बुरी बुरी तरह से क्या कहना चाहेंगे लोगों से कि जिस तरह से समाज में आपको प्रताड़ित किया गया और जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया। हम भाई भाई ऐसे शब्द नहीं करने चाहिए उन्हें जी। हमें बहुत दुख होता है। क्या काम करते हैं आप सर? मैं जी ग्लोब पैनल में काम करता हूँ। ग्लोब पैनल में काम करते हैं। तो सर सुनने में आया था कि आपको रस्ते में अज्ञात लोगों के द्वारा रोका भी जाता है कहीं ना कहीं। जी कहते हैं जी फैसला कर ले अपने आप, जो भी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से, आईबीएन 24 के माध्यम से? मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे पास कोई ना आए और मुझे नौकरी कर आराम से करने दे, मेरी दिन रात की ड्यूटी है, मेरे खत्म ना आए जी। कहीं ना कहीं आपको रोक कर है उनके द्वारा धमकियां भी दी जाती हैं सर? हाँ जी हाँ जी। कि आप फैसला कर लीजिए इस प्रकार का। हाँ जी हाँ जी। कहीं ना कहीं आपको अपनी जान का भी डर है, क्या कहना चाहेंगे उसके विषय? हाँ जी मुझे खतरा है, ये मुझे क्योंकि मैं रात दिन को ड्यूटी जाता हूँ, मेरे को क्या पता कौन सा मेरा बंदे है, मेरा दुश्मन है, कौन सा सज्जन है जी। कहीं ना कहीं क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से हम समाज में रह रहे हैं और आपको इस तरीके की गालियां दी जा रही हैं, नीच शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जो कि संविधान में कहीं ना कहीं ST SC एक्ट में जो है ये बाध्य शब्द है, क्या कहना चाहेंगे? इस बात का बहुत दुख है जी जी। और मैं मल्ले में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा जी, और मल्ले वाले मेरे सामने ही मेरे ईंटे ईंटे उठा के ले गए जी। और मल्ले वाले ने खुद देखा उनको जी, वो मेरे से पूछ रहे हैं ईंटे क्यों उठा के ले जाए जी। तो कहीं ना कहीं समाज में भी आपको प्रताड़ित किया गया, आपकी छवि को खराब कर। हाँ जी। क्या चाहते हैं आपकी सरकार, किस तरह से आपकी जो है प्रशासन किस तरह से आपका साथ दे? आपको पता ही है जी ऐसे दुख भरे शब्द नहीं करने चाहिए, मेरे बहुत दुख होता है जी। मेरे भाई ने मेरे कॉल कर रहते हैं, उन्होंने फोन कर कहता है ऐसे कैसा कह दिया उन्होंने। किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी का भी हाथ इसमें बताया जा हो सकता है जी, मैं देखो जी वो किसी पार्टी से भी है सर? हाँ जी हाँ, बीजेपी के है जी, बीजेपी की है सर। क्या कहना चाहेंगे आज इस समाज में इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है, आपको पूरा अधिकार है, कहीं ना कहीं आपके साथ जो है इस तरह के अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है? आप बताओ जी मैं क्या करता हूँ, मैं घूम। तो देख सकते हैं आप इस व्यक्ति की आंखों में आंसू हैं, जिस तरीके से 56 वर्षीय व्यक्ति के साथ जाति सूचक शब्द कहे गए हैं और इनकी FIR दर्ज कर ली गई है। देखना लाजमी होगा कि इनका कहना है कि अगर इन्हें भी किसी तरह से किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इनकी जान को भी खतरा है, क्योंकि वो लोग नए नए लोगों को भेजते हैं इनके पास, डराया भी जाता है, धमकाया भी जाता है और कहीं ना कहीं इन पर दबाव भी बनाया जाता है। इस तरह से बड़ा दुख आता है जब समाज में इस तरह के कार्य होते हैं, जब एक व्यक्ति को जाति सूचक शब्द भी कहे जाते हैं कहीं ना कहीं ST SC नियम के तहत, और कहीं ना कहीं छोटी सी बात पर ये लड़ाई शुरू होती है और कहीं ना कहीं घास लाते हैं मुक्के तक। तो आपने मेडिकल रिपोर्ट करा ली थी? हाँ जी करवा ली थी। तो मेडिकल रिपोर्ट में मारा पीटा काफी मारा पीटा? हाँ जी, मेरे कान के अभी तक कान पड़ता पड़ा है, दर्द हो रही है जी, मैं अभी छाती पे भी मारा, छाती पे भी, जबड़ा भी तोड़ दिया गया। हाँ जी, जबड़े पे भी मारा। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं आप किस व्यक्ति को बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, जिस तरह से इसके जबड़े पर भी वार किया गया है। तो मेडिकल रिपोर्ट भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, जिस तरीके से ये FIR दर्ज हो चुकी है उसके बाद आप सभी को बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से थाना फरकपुर का ये मामला है और मौके पर इसमें ST SC नियमों के तहत जो भी थी वो हो चुकी है कहीं ना कहीं। क्या इंसाफ चाहते हैं आप इस समय, क्या चाहना चाहेंगे चैनल के माध्यम? हाँ मुझे इंसाफ चाहिए जी, मैं तो ये चाहता हूँ, मैं गरीब बंदा हूँ जी, और मुझे तो कहीं ना कहीं हर गरीब की आवाज़ IBN 24 का परिवार बनता हुआ है। सभी से अनुरोध, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस समय मौजूद है हरियाणा के जिले यमुनानगर में, जहाँ पर आप सभी को बता दें कि ये आदमी फरियाद लेकर आया था कि इनको बचाया जाए, इनको जाति सूचक शब्द कहे गए और इनका मामला दर्ज कर लिया गया। अब देखना लाजमी होगा कि इनको क्या न्याय मिलता है और किस तरीके से जो इनके समाज के लिए जो अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिस तरीके से अपनी वाणी को ना नियमित रूप पर रखते हुए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो देखना लाजमी होगा कि पुलिस आने वाले समय में क्या कार्रवाई करते हैं। आप देख रहे हैं IBN 24 और मैं हूं संयम, आप सभी के सामने लाइव। नमस्कार।